आंदोलन वगैरह में जाता था उसके अभी अगले महीने कुछ करना भी चाहता था। अच्छा। ऐसा करेंगे, ऐसा मेरे बच्चा को ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा दिखाएंगे बोलता था। हम नेता में उठेंगे, मेरे बच्चा को ऐसा बनाएंगे, मेरे पत्नी को ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे बोलता था। कहीं गया था काम से आया, फोन किया छुट्टी समय वहाँ चल गया और वहाँ पे पता नहीं कुछ हो रहा था। अच्छा, शाम को बातचीत हुई थी घटना से पहले? रात को 10 बजे 9:30 बजे हम कॉल किए, हम सास राधे के नहीं किया। हम फोन करके पूछे तुम कहाँ है बताओ ना, तो बोल रहा रखो ना हम आ रहे हैं, हम यहाँ पे है टाटी सिल्वे में। हम फोन किए रखो हम आ रहे हैं। अच्छा, उसका बाद हम और उसको कॉल किए, उसका बाद वो फोन नहीं उठाया। उस समय वो निकल गया होगा मेरा आवाज सुन के। फोन अगर रात को कर लेते हैं ज्यादा फोन तो मेरा फोन देख के तुरंत घर आ जाता है। वही समय वो निकल गया होगा घर आने के लिए, फिर दोबारा फोन किए तो नहीं उठाने सका। अब आप लोग क्या चाहती है? उसको इंसाफ चाहिए, उसको इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा कैसे पढ़े पढ़ाएंगे कैसे रखेंगे? कितने बच्चे हैं? एक ही है। कितने साल का? 6 साल का। अभी तो आंदोलन वगैरह तो हमेशा वो जाते थे ना, जयराम जयराम के साथ भी बहुत रहते थे। उसका तो बहुत तारीफ करता था, तारीफ करता था, बहुत तारीफ करता था। क्या इसका तारीफ? जयराम बहुत अच्छा है ऐसा होता करके बोलता था। वो ये बनना चाहता है मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हम ये बनना चाहते हैं, अगले महीना वो खड़ा होने वाला था चुनाव में, इसको कर दिया ऐसा। हम कैसे रहेंगे अपने बच्चों को लेके, कैसे रहेंगे, कैसे रखेंगे हम इसको? हम रात को उसका आसरा देके पर नहीं आए, रात भर हम उसका आसरा देके पर नहीं आए, हमको छोड़ के चल गया। कैसे जानकारी मिली, क्या कुछ हुआ? फोन किया तो हमको आके बताया, तो सिर्फ बोल रहे होश में नहीं था, पर वही समय वैसा हो गया था। अच्छा, वही समय वो मतलब पूरा खत्म हो चुका था, पर हम लोग को पता था कि होश में नहीं है। अच्छा, रात को ऐसा सुबह भी पूछ रहे तो बोल रहे उसका होश में नहीं, मंदिर चल गए पूजा उजा करने के लिए। दिया फिर मंदिर में फोन आया था, ऐसा हो गया। नहीं कुछ ने दिया 10,000 पैसे बोले आवाज दिए। अरे भाई तुम लोग पीछे ना पूरा तो दाब दिए हो यार, कुछ कहना चाहिए? कहाँ जाए बताइए। त्रिवेंद्र जी बताइए। त्रिवेंद्र पकड़ लीजिए, लीजिए बोलिए बोलिए। सड़क पर बहुत दुख के साथ बड़ा जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। जवान जनी है जो प्रबल है। आज सड़क पर बहुत दुख के साथ उतरे हैं। हमारा एक भाई, हमारा एक साथी, हमें
हमेशा कंधा से कंधा मिला करके चलता था। झारखंडी भाषा हत्या संघर्ष क्षेत्रीय सचिव और सक्रिय आंदोलनकारी जो भाषा हत्या आंदोलन हर चीज में सक्रिय रूप से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था और उसका फल एक साजिश के तहत उसको षड्यंत्र के तहत उसको मर्डर किया गया है। इसका मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सुरंगित तरीके से मर्डर किया गया है। इसका हम लोग टाटी सिलवे थाना में सदर थाना के माध्यम से FIR दर्ज किए हैं और इसके मां गीता देवी के माध्यम से बयान दर्ज किया गया है और बयान में स्पष्ट रूप से हम लोग लिखे हुए हैं कि अंगद नायक जो एक उभरता हुआ राज्य का चेहरा था, जो इस झारखंड के आवाज को बुलंद करता था और राजधानी रांची के हर आंदोलन को सफल बनाने का अहम योगदान देता था, जिससे कुछ माफिया या जो भी है या जांच का विषय है SIT टीम गठित किया जाए और यह एक सुनियोजित तरीके से मर्डर है। और आज हम लोग पूरे परिवार के साथ हम लोग सड़क पर हैं। इनका 21 वर्षीय पत्नी दीपा देवी है, 9 हिंद इसका पांच भाई बहन बेटा है, माँ है, यार सभी परिवार से इकलौता कमाने वाला अंगद नायक काम में बहुत ध्यान परिवार का सदस्य था। छह बजे उठ के चल जाता था, हम सुतले रंग करते हैं, इतना कुहासा में चल जाता था, जाके कुहासा दिखा था रोड में कि ऐसा कुहासा में देखो गए हैं, और हम देखते थे वीडियो कॉलिंग पर दर्ज किया हुआ है, देखो इतना कुहासा में गए हैं, तो बोलते थे जोर से मत चलाना गाड़ी, अच्छा से चलाना। अभी FIR दर्ज हम लोग सुबह में किया तो अभी तक क्यों इसका FIR नंबर हम लोग को नहीं मिला है? सर्वप्रथम इसका FIR दर्ज किया जाए, कहीं ना कहीं FIR नंबर मिलने में देरी हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र आ रहा है। दूसरा हमारा मांग है कि अंगद नायक चूंकि एक सक्रिय आंदोलनकारी रहा है और उसका मौत कोई एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से मर्डर किया गया है, तो इसका जाँच उच्च स्तरीय एक स्पेशल SIT टीम का गठन किया जाए और जो भी अपराधी है उसको चिन्हित करके पकड़ के उसको उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। साथ ही साथ अंगद का उम्र मात्र 24 साल था, उनका 5 भाई बहन है, उनके घर में परिवार है, माँ है, बेटा है, तो तत्काल इन आश्रित परिवार को 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ अंगद नायक के पत्नी दीपा देवी को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। साथ ही साथ अंगद नायक का बेटा नवीन नायक जो 6 वर्ष का है, एक मासूम सा लड़का है, इसका एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षा के लिए एक अच्छा से अच्छा स्कूल में इसका संपूर्ण जीवन का पढ़ाई लिखाई कराया जाए सरकार के माध्यम से। साथ ही साथ अंगद नायक के पत्नी को एक अस्थाई सरकारी नौकरी दिया जाए और इनका मकान जो है कि कच्चा मकान है, इनका कोई मकान भी नहीं है, इसीलिए एक सरकारी आवास भी दिया जाए। साथ ही साथ जो भी बाकी सरकारी लाभ का बात है वो दिया जाए और तत्काल अभी दाह संस्कार के लिए जो तत्काल राशि दिया जाना चाहिए वो भी अभी नहीं दिया गया है और अभी तक कोई प्रशासन वार्ता के लिए नहीं आया है। हम मांग करते हैं कि राजधानी रांची के बीचों बीच इतना बड़ा मातम छाया हुआ है, सड़क पे सारे परिजन है, अभी तक सिटी SP चाहे तो कोई भी अधिकारी पदाधिकारी आए हुए नहीं है, तत्काल दाह संस्कार वाला प्रोत्साहन राशि भी दिया जाए। ये क्यों शक है कि उनकी हत्या हुई है? मतलब कोई थ्रेट था, कोई धमकी थी, इस तरह की कोई? हाँ, इसका हम इसलिए कह सकते हैं कि इनके साथ साथी एक शिवराज सिंह था, उनके अनुसार कहा गया कि चतरा टाटसिले बस्ती में सुमित कुमार महतो जी के घर गए हुए थे, उनका जन्मदिन था, वहाँ से वो लोग लाइव भी चलाए हैं लगभग 8:30 के आसपास। उसके बाद खाना पीना करके तकरीबन लगभग 10:30 निकले। वो लोग इतना अच्छा लड़का है कि कभी किसी प्रकार का धूम्रपान नशा वगैरह कुछ नहीं है जिंदगी भर। वो लोग बहुत ही धीरे धीरे अपना बाया साइड में रोड के किनारे चलते हुए आ रहा था। हौसो आवासों में उनके साथ रहने वाले शिवराज सिंह ने कहा कि कुछ गाड़ी बार बार आगे पीछे कर रहा था और एक महिलों
द्वारिका हॉस्पिटल और एचपी पेट्रोल पंप के बीच में जो है कि बहुत किनारे हुआ, बचने का कोशिश भी किया, उसके बावजूद भी जो है कि उसको धक्का मार दिया गया और धक्का मारने के परिणाम स्वरूप जो है कि उनका गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि चूंकि आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, उनका ये हमेशा भाषा का आंदोलन हो, खसियान का आंदोलन हो, नियोजन नीति का आंदोलन हो, हम नहीं देखे दीदी इन लोग देखिए, हम नहीं देखे अभी तक, हमने देखा। और सबसे बड़ी बात, अभी जे एस एस सी सीजीएल महाघोटाला का जो आंदोलन चल रहा है, 29 तारीख से 31 तारीख के बीच जो आंदोलन हुआ, पूरा अहम भूमिका इनका रहा। 29 तारीख का पुतला भी इन्होंने खुद बनाया था, मुख्यमंत्री का और चेयरमैन का, जब रांची राजधानी अल्बर्ट का चौक में बनाया गया था इनका पुतला, इनके सब व्यवस्था इन्होंने किया था, पुआल से लेकर पुतला बनाने का सारे सामग्री का व्यवस्था किया था। इस वजह से आपको लगता और, है और दूसरी बात जो कि हम लोग का आंदोलन से एक सफल हुआ, जिससे बाहरी शिक्षा माफियाओं का एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद से बौखलाए गए हैं। और 31 तारीख को टारगेटेड लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जेबीकेएसएस को, उनको एक तरफा FIR किया गया। दूसरी बात, 1 तारीख को हमको जान से मारने का धमकी भी दिया गया। और तीसरा घटना, हमारे साथ रहने वाला एक हमारा जो बहुत बड़ा एक आंदोलनकारी, जो हम आज अपने से छुट्टी हुई तो फिर हम भरपाई नहीं कर सकते हैं, इनको ये छुट्टी कर दिया गया। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से ये साजिश है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से उसको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही साथ उनको शहीद का दर्जा मिले, उनके नाम से स्टेचू लगाया जाए और सारे मांग को पूरा किया जाए और उनका दिवंगत आत्मा को शांति मिले। हेलो।